हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अभी मैं स्कूल से आया तो जैसे मेरे घर वालों ने बोला कि गांव में चले जाओ, लाही और गेहूं पीसने वाला आया है। तो मैं सोचा कि लाही और गेहूं हमारे गांव में चक्की है ही नहीं, तो लाही और गेहूं कहां पीसेंगे। तो मेरी अम्मी ने बताया कि क्या आया है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। पहले तो हम लोगों को चक्की पे जाना पड़ता था गेहूं और लाही पिसाने के लिए, लेकिन अब दूसरा सिस्टम हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये रही मशीन। तो दोस्तों, अब मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, मेरे लिए ही सिर्फ नहीं, सब लोगों के लिए जिसके पास बाइक या साइकिल नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फ़ोन लगाओ, जैसे ही आके पीस के चला जाएगा। दोस्तों, तेल देखिए कितना ज़्यादा निकल रहा है, और ऊपर से तेल निकलता है और नीचे छानने वाला लगाए रहते हैं, क्योंकि काट जो रहता है वो तेल के अंदर ना जाए। और यहाँ पे गेहूँ भी बहुत बारीक पीसते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए गेहूँ कितना बारीक पीसते हैं। तो दोस्तों, देख लेना कि बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, और गेहूं पीसते हैं 2 रुपया किलो, तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है। और अब मुझको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, फ़ोन लगाएंगे, जैसे ही वो आके पीस के चला जाएगा। तो यही 2 डब्बे हम लोगों ने लाही पिराया है, तो चलिए घर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं हासीपारा बाज़ार। घर में थोड़ी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, वही लाने जा रहे हैं। और ये जो आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, हमारे गांव से दूसरे गांव का पुल है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाज़ार में। तो हम हासीपारा बाज़ार पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों को सब्ज़ी भी ख़रीदनी है और मच्छी भी ख़रीदनी है। तो चलिए हम पहले मच्छी ख़रीद लेते हैं, नहीं तो उस दिन की तरह फिर होगा। एक दिन मेरी अम्मी आई थी मच्छी ख़रीदने के लिए, तो सोची कि पहले सब्ज़ी खरीद लेता हूँ, तब फिर मच्छी खरीदती हूँ। तो जब वो सब्ज़ी खरीद के आई, तब यहाँ पे मच्छी नहीं मिला, तो सबसे पहले हम मच्छी खरीद लेते हैं। तो चलिए खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले हम तो मच्छियाँ खरीद लेते हैं, जो कि 200 रुपये किलो हैं। हम 1 किलो लेंगे, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा परिवार नहीं है, हमारी बहुत छोटी फैमिली है, इसलिए। हम बाजार के और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिल रही हैं, हम यहीं से सारी सब्जियाँ खरीद लेते हैं, कहीं और दुकान पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम खरीदेंगे अरवी, तो 1 किलो अरवी ले लेते हैं। हमारे घर में सिर्फ मेरी दादी ही अरवी खाती हैं। तो अभी हम टमाटर ले रहे हैं, जो कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा मुझे तो लग रहा है टमाटर ही महंगा है। तो अभी हमने सारी सब्जियां खरीद लेते हैं, और सब सामानों को रख लेते हैं हम अपने झोले के अंदर।
तो यहाँ पे सब राशन के सामान मिल रहे हैं जो आपको चाहिए, जैसे कि ये दाल है, बहुत अच्छे दाल है, जो चाहिए आप यहाँ पे सब ले सकते हो, घर के सामान, तेल, शक्कर। तो यहाँ सब सब्जियों के बीज मिल रहे हैं, मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे घर बहुत सारा रखा हुआ है। दोस्तों बाज़ार में सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा तो मुझको टमाटर ही महंगा लग रहा है। दोस्तों मैं सब्जियाँ खरीद के आ चुका हूँ और हाशिमपारा बाज़ार में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी, मुझे तो लग रहा है सबसे ज़्यादा टमाटर ही महंगा था। तो हम लोगों ने मच्छी ली, हमारे घर में सब रोहू मच्छी ज़्यादा खाते हैं तो और सारी सब्जियाँ ऐसे ही ली है। तो दोस्तों हमारा ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड खुदा हाफिज़।